हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी चैनल। माय नेम इज़ नेहा। जैसा कि मैं आपके लिए हर बार इस चैनल पे शॉर्टन की वीडियोस एंड चैप्टर्स लेकर आती हूँ, आज मैं कुछ न्यू चीज़ लेकर आई हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मेरा ब्लॉगर पोस्ट साइट बनी हुई है, ब्लॉगर साइट, तो उस पर जो मैं पोस्ट है अपनी डालती हूँ, तो मैंने उस पोस्ट को रैंक करवाने के लिए स्लाइड शेयर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्लाइड शेयर पे आप अपनी पोस्ट को कैसे रैंक करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उसका जितना भी जो भी प्रोसीजर है कि कैसे डालना होता है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्लाइड देख रहे होंगे स्लाइड शेयर्स की, तो पहले तो आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करना आपको गूगल अकाउंट से, जैसे कि मैंने लॉगिन करवाया है, हमारा एन करके नेहा राजपूत के नाम से एन आ रहा है। देन उसके बाद आपको अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको एक चीज़ करनी है कि आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अकाउंट टाइप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट, ये सब चीज़ें आपको डाल के सेव कर देना है। देन उसके बाद आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस अपलोड पे क्लिक करना है। तो अपलोड में फाइल डाउनलोड करने का, सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको अपने ब्लॉगर पोस्ट पे, ब्लॉगर साइट पे जाना है। उसमें से आपको कोई भी पोस्ट है उसको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है। जैसे कि मैंने व्हाट डज स्टेनोग्राफर डू ओपन करा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, कॉपी करने के बाद आपको गूगल के पेज पे जाना है। उसमें गूगल ऐप पे जाना है। गूगल ऐप पे जाने के बाद उसके गूगल डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है। और गूगल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लैंक पेज को सिलेक्ट करना है। जब ब्लैंक पेज सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको उस ब्लॉग पोस्ट को कॉपी कर देना है, ठीक है, सॉरी पेस्ट कर देना है। गाइज जब आप पेस्ट कर देंगे जो आपने कॉपी किया था ब्लॉग पोस्ट, उसके बाद यहाँ पर डेट हटा दीजिएगा यहाँ से। इसको सेंटर में ले आइएगा। सेंटर में ले आने के बाद एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा टाइटल को। और आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पे जाकर पीडीएफ डॉक्यूमेंट करना है। पीडीएफ डॉक्यूमेंट करोगे तो आप देखिएगा यहाँ मेरी फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है गाइस। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आगे का प्रोसीजर ये है कि जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो शो इन फोल्डर करना है आपको। फोल्डर में जाकर जहाँ ये फाइल शो हो रही होगी वहाँ उसका रीनेम कर देना है, और नेम उसका रखना है जो आपके ब्लॉग पोस्ट का टाइटल नेम है। तो गाइस, अभी जो मैं एडिटिंग करूँगी वो आपको मेरी पोस्ट पर नहीं दिखाई देगी, इसलिए मैंने आपको वर्बली बताया है कि आपको इसको कैसे करना है चेंज। देखिए मैं कर रही हूँ, वैसे शो इन फोल्डर पे गई मैं। शो इन फोल्डर पे जाने के बाद जो डाउनलोड में मेरा हुआ था, फिर मैंने उस फोल्डर को सेलेक्ट किया, रीनेम किया, एंड देन जो मैंने टाइटल कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद गाइस मैंने क्या किया, मैं फिर से अपलोड एंड शेयर पे गई, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टू अपलोड किया, और वहाँ से मैंने अपने उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। जब सिलेक्ट करूँगी तो आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा पूछेगा, उस पर क्लिक कर देना है आपको, और फिर देखिएगा यहाँ पर मेरी पोस्ट अपलोड हो रही है, और जो टाइटल नेम मैंने चूज़ किया था वो यहाँ पर आ रहा है। फिर मैं यहाँ कैटेगरी चूज़ करूँगी, कैटेगरी मेरी एजुकेशन है, आपकी जो भी कैटेगरी हो आप वो चूज़ करिएगा। फिर डिस्क्रिप्शन में क्या डालना, डिस्क्रिप्शन में आपके ब्लॉग पोस्ट की जो मैटर है वो डालना है। जैसे कि मैं यहाँ से इस मैटर को क्लिक करूँगी, सॉरी यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी किया, और फिर मैं डिस्क्रिप्शन वाले फोल्डर में इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है गाइस। यहाँ पर 3000 वर्ड्स मांग रहे हैं, लेकिन मेरा 825 है। उसके बाद हमें टैग्स पे जाना है। टैग्स डालना बहुत ज़रूरी है, जैसे जो भी आपकी पोस्ट जिस चीज़ पर बनी हुई है, पोस्ट का रिलेटेड कीवर्ड्स आपको गूगल पे जाकर सर्च करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं शॉर्ट हैंड लिखती हूँ, तो आप देखिएगा कि कितने सारे कीवर्ड्स यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, कितने सारे कीवर्ड्स यहाँ पर नीचे आ रहे हैं जिसको मैं डाल सकती हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, तो मैंने पहले से ही अपने कीवर्ड्स डाले हैं। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड लिखूँगी तो देखिएगा मेरे ये कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे ऐसे करके सारे कीवर्ड्स डालने हैं, जैसे कि यहाँ पर जो डिस्कवरेबिलिटी स्कोर दिखा रहा है वो मेरा बढ़ जाए, उसके लिए मुझे कम से कम 20 कीवर्ड्स तो डालने ही डालने हैं गाइस। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब आप, अगर आप ब्लॉगर हैं या यूट्यूबर हैं और आप अपनी पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हैं, बट ये चीज़ हमेशा आर्टिकल बेस्ड ही होती है। अगर आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं तो आप तभी कर सकते हैं।
इस चीज इसको सॉरी स्लाइड शेयर को यूज मतलब आप तभी कर पाएंगे, तभी आपके यूज में ये आ पाएगा गाइज। और वीडियो के आई नो मैं जो वीडियो बनाती हूँ शॉर्ट इन पे जो एक्सरसाइज बताती हूँ आपको, उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर ही रहे होंगे और आपको समझ में भी आती ही होगी। तो उसी की बिहाफ पे मैं आपके लिए न्यू चीज़ लेकर आई हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप घी डालना चाहते हैं अपनी पोस्ट को, उसको आप देखिए, इसके थ्रू आपको बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी कि कैसे आप अपनी पोस्ट को रैंक करवा सकते हो गूगल्स पे। तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी गाइज। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तो आप देखिएगा कि शॉर्ट एंड ऑफ एडवांटेज कितनी सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर आ रही हैं। देन उसके बाद देखिए प्राइवेसी आ गई। प्राइवेसी में पूछ रहा है पब्लिक लिमिट या प्राइवेट, तो मैं पब्लिक ही रखूँगी क्योंकि मुझे पब्लिकली ही डाल रही हूँ मैं इसको। देन इसको मैं पब्लिश कर दूँगी। पब्लिश करने के बाद आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर हमें ऐसे फाइल मिलेगी। फिर अपने यूआरएल को कॉपी करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे दिखती है मेरी ये फाइल। जब मैं इसको कॉपी करा तो ये ऐसे ओपन होगी। फिर इसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद गाइस ऐसा होगा कि देखिएगा मेरी पीडीएफ में फाइल कैसे दिखती है, ऐसे दिखेगी जब भी कोई डाउनलोड करेगा। डाउनलोड से ये होगा कि गाइस मेरे को रैंकिंग मिलेगी, ऐसे ही आप अपनी पोस्ट को रैंक करवा सकते हैं डाउनलोड करने के। अगर आपने इंटरनल लिंकिंग दे रखी है तो उससे क्या होगा, जब आप इंटरनल लिंकिंग पे क्लिक करोगे तो आपको वो जो इंटरनल लिंकिंग है आपको डायरेक्ट अपने आपके मेरे ब्लॉग के होम पेज पे ले जाएगा। अगर आपने अपने इंटरनल लिंकिंग करी हो तो वो आपके होम पेज पे ले जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा स्टेनोग्राफी कोर्स नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी कोर्स सॉरी उसका ब्लॉगर पोस्ट ब्लॉगर साइट बनी हुई है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड जो मैं वीडियो डालती हूँ आपके पढ़ाई के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो गाइज कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप इन टच विद मी। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ। तो गुड बाय गाइज, थैंक यू।